कुकिंग एंड क्राफ्ट्स पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स जी, मैंने टॉप बनाई है, इसके मैंने चार पार्ट बनाई है अपने चैनल पर। इसकी वीडियो सब मैंने डाली हुई है, स्टेप बाय स्टेप कैसे टॉप बनानी है, बहुत ही अच्छी ढंग से मैंने इसको बताया है कैसे बनाना है। इसका जो डिजाइन है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डिजाइन है और बहुत ही ईजी है बनाना। इसको चार सिलाई का डिजाइन है, फोर रो का डिजाइन है, एक रो में डिजाइन पड़ता है तो तीन सिलाई इसकी सीधी उल्टी है, बहुत प्यारा बना है। तो आज आपको मैं इस टॉप का पूरा मेजरमेंट बताऊंगी, कितने फंदे लिए हैं, कैसे मैंने इस टॉप को तैयार किया है, तो एक साथ आपको इसका आज बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते इसको कैसे मैंने बनाया है। तो सबसे पहले बॉर्डर की बात करते हैं। जे जो वाला मैंने जिगजैग बॉर्डर बनाया है, इसके मैंने पहले ही एक वीडियो बॉर्डर की, अकेली बॉर्डर की मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है। इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बाकी जो चार पार्ट बनाए हैं उसका भी मैं लिंक दे दूंगी। अगर आपको फिर भी इसका किसी का कोई पार्ट का अगर लिंक आपको नहीं मिलता तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले तो बॉर्डर की बात करते हैं। बॉर्डर जो मैंने बताया है आपने उसी के अकॉर्डिंग बॉर्डर बनाना है। फंदे जो लेने हैं इसमें मैंने टॉप में टोटल फंदे 133 फंदे मैंने टोटल जहां मैंने ये डिज़ाइन में सेट किए 133 में डिज़ाइन को बनाया है। तो बॉर्डर आप उसी के अकॉर्डिंग उसी 133 फंदस में आपने सेट कर लेना है, क्योंकि जो बॉर्डर है इसका थोड़ा उस मल्टीपल अलग चलता है, डिज़ाइन का अलग है, उसी के हिसाब ना। अगर दो चार फंदे आपके कम ज़्यादा होते तो वो साइड से आप सीधे भी रख सकते हो। तो आगे डिज़ाइन जो मैंने बनाया है, चार सिलाई का डिज़ाइन है, एक में पड़ता है, तीन सिलाई सीधी उल्टी ही बनती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन बनाया है मैंने आर्म होल तक, ये मैंने बनाया है 36 बार इस डिज़ाइन को मैंने, चार चार सिलाई को 36 बार मैंने अप्लाई जहाँ किया है। तो ये इसकी लेंथ है, ये बॉर्डर से लेके जहाँ तक ये मेरी है 18 इंच लेंथ है। उसके बाद मैंने फिर आर्म होल की जहां मोटे की जो गटाई जिसको बोलते हैं, ये मैंने मोटे की गटाई की है जहां ये 5 3 2 1 की है। उसके बाद ऊपर फिर मैं ऐसे ही शोल्डर ऊपर तक बनाती गई। शोल्डर में जो रखे है 28 फंदे रखे हैं। सेम ही आपने दोनों साइड आर्म होल की कटिंग करनी है। जो नेक मैंने निकाला है जहां आर्म होल की गटाई के बाद 3 या 3.5 जी आप डीप जितना रखना चाहते हो वो उसी के अकॉर्डिंग आपने 3 इंच 3.5 इंच बना लेना है। उसके बाद मैंने आर्म होल की कटिंग के बाद 111 फंदे थे टोटल मेरे जे टॉप में आर्म होल की कटिंग तो बाद, तो 111 फंदे मैंने 25 फंदे जो नेक के हैं एक साथ मैंने सेंटर से वाइंड किए। उसके बाद फिर नेक की जो कटाई होती है, शेप जहां से देनी होती है राउंड, जे मैंने की है 4 3 3 2 2 1 की। उसके बाद 28 फंदे फिर उसके बाद इतना ऐसे ही बनाती गई। दोनों साइड आपने सेम करनी है 4 3 3 2 2 1 की। तो शोल्डर तक 8 इंच इसको मैंने लेंथ इसकी 8 इंच तक इसको बनाई है। सिलाई करके थोड़ा 8 से आपको कम दिख रही होगी लेकिन 8 इंच आपने तैयार करनी है। तो बैक साइड जो इसकी है, बैक साइड सेम ही मैंने बनाई है, 133 फंदे डाले है। तो 18 इंच लेंथ आर्म होल तक रखी है। उसके बाद फिर मैंने 8 इंच उसको सिंपल ऐसा ही ऊपर तक बनाती गई। इसमें नेक की कटिंग मैंने शेप बैक साइड कोई नहीं दी, तो शोल्डर में फिर जोड़ के इसको नेक के फंदे को वाइंड अप कर दिया, 28 फंदे दोनों शोल्डर को जोड़ दिया। तो अब बात आती है जी स्लीव की, स्लीव कैसे मैंने बनाई है। तो स्लीव में मैंने शुरू में जो बॉर्डर में 50 फंदे मैंने डाले हैं। जे आप बॉर्डर के डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर आपके फंदे कम जाता होते हैं तो साइड से आप सीधे फंदे भी रख सकते हो, जैसे मैंने ये सीधा फंदा रखे है। उसके बाद डिजाइन सेम जे टॉप वाला ही आपने डालना है। तो इसमें मैंने क्या है कि वूल आपने देखनी होती है कि आपकी वूल अगर ज्यादा स्ट्रेच होती है, ये थोड़ी जो है स्ट्रेच होती है, ये लूज होने वाली हो, तो इसमें मैंने क्या किया, जो 50 फंदे डाले उसके बाद फंदे बॉर्डर के बाद मैंने इनक्रीज नहीं किए जहां, क्योंकि जिस स्ट्रेच होती है तो ज्यादा खुलने का इसका डर है। तो इसीलिए मैंने 5 डिजाइन मैंने बना लिए, उसके बाद फिर फंदे इंक्रीज करना स्टार्ट किए बाजू के,
एक एक फंदा दोनों साइड से मैं करती गई, एक फंदा इधर से और एक इधर से, हर सिक्स सिलाई में। तो जैसे ही एक एक फंदा इंक्रीज करती गई तो जो अंडर आर्म्स हमारी होती, जहाँ तक लेंथ मेरी 18 इंच बन गई थी, तो 18 इंच जब बन गई थी तो 110 फंदे मेरे हो गए थे। जहाँ उसके बाद मैंने 1.5 इंच ऊपर बनाया, जो हम अंडर आर्म्स की करते हैं ना, वो ऊपर जो कटाई करते हैं जी, जहाँ छेप देते हैं जी बाजू की, तो जहाँ जी जैसे मैंने आर्म होल की दी, जहाँ 5-3 की दी, उसके बाद 2-2-2 की करती गई। तो जितना मुझे ऊपर लेंथ बाजू की बनानी थी, 19.5 इंच लेंथ बनानी थी, उतना ही मैं बनाती गई, 1.5 इंच ही मैंने बनाया है। आप जो जी अंडर आर्म्स के ऊपर हम कटाई करते हैं, छेप देते हैं, जी आप 2.5 इंच तक बना सकते हो, 3 इंच तक बना सकते हो, अपने जो स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो इसकी 19.5 इंच ही बनानी थी, इसलिए मैंने 1.5 इंच ही ऊपर इसको बनाया है। आप अपने सामना इसकी लेंथ बना सकते हो। तो इसकी लेंथ भी आपको मैं दिखा देती हूँ, अंडर आर्म्स तक ये मेरी देख लीजिए 18 इंच है, और ये है 19 इंच, 19.5 इंच है, ये देख लीजिए 19.5-20 के करीब है, क्योंकि जहाँ से ऐसे दिखती है 19.5-20 के करीब है। तो ऐसे जी मैंने स्वेटर को ये बनाया है, टॉप को बनाया है जी। फ्रेंड्स डिजाइन ऐसा है, जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हो, क्योंकि इसमें जाली वाला पैटर्न नहीं है, तो जेंट्स स्वेटर में भी बहुत ही बन के अच्छा आएगा, बहुत लुक बन के प्यारी लगेगी, बिल्कुल ही रेडीमेड लुक में जी स्वेटर तैयार होगा। तो आप ऐसा स्वेटर जी बना सकते हो, अपने कार्डिगन में भी डाल सकते हो, बच्चों के प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हो, किसी में भी डाल सकते हो। डिजाइन इसका ऐसा है कि जी ओल्ड फैशन, जो मतलब कि ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग डिजाइन नहीं है जी, सभी में अच्छा लगेगा, जब भी आप इसको डालोगे तो जी ओल्ड फैशन नहीं होगा, ऐसा डिजाइन इसका है, क्योंकि जी ऐसे लगता है हाथ का नहीं बना, लगता है बिल्कुल ही जी ऐसे लगता है जैसे मशीन की बनाई है, बहुत प्यारा डिजाइन है। ये तो थोड़ी नॉर्मल वूल में मैंने बनाया है, अगर आप मोटी वूल में बनाओगे तो और भी ये फूल छोटे छोटे जो फूल से बने हैं जी, और भी उभर के आएंगे, बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा। तो फ्रेंड्स जी आपको पूरा मैंने मेजरमेंट बता दिया है, तो थोड़ा जे नेक का मैं रह गया कि नेक मैंने कैसे बनाया है, ये भी आपको थोड़ा मैं बता देती हूँ। नेक मैंने डबल किया इसको, तो आप सुई से भी बंद कर सकते हो, क्योंकि मैंने थोड़ा ऊपर बनाया तो सुई से नहीं बंद किया, अगर आप डीप रखते हो तो इसको सुई से भी ऊपर बंद कर सकते हो जी, आपकी चॉइस है। सुई से बंद कैसे करना, ये भी मेरे चैनल पर वीडियो है, मैंने जो जेंट स्वेटर का नेक वी शेप का सुई से कैसे बंद करना वो भी मैंने बताया है, उसी प्रोसीजर के सामने आप इसको बंद कर सकते हो जी, आप अपनी च्वाइस के सामने नेक तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको कोई भी पार्ट की वीडियो नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।